bismillah ar-rahman ar-rahim Assalamu dear students today we are going to discuss our next topic uh, atomic radius from chapter number 3 periodic table and periodicity of the property first we move forward to discuss what is uh, meant by periodicity of the property if term have periodicity of properties is ki meaning kya hai? a pattern of the repeating properties एट रेगुलर इंटरवल आर द प्रोसेस बाई विच देयर इज रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन ऑल द ग्रुप्स एंड पीरियड्स आफ्टर सर्टन इंटरवल किसी भी प्रॉपर्टी का एलिमेंट्स के अंदर रिपीट होना अब जो पीरियडिक टेबल है डे स्टूडेंट पीरियडिक टेबल जो है इसके अंदर एलिमेंट्स ग्रुप में और पीरियड में अरेंज होते हैं अब ग्रुप के अंदर भी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं और पीरियड के अंदर के अंदर भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ uh, जो हैं वो और ये रिपीट होती हैं अब ये जो प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन है इसको पीरिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है अब पीरियडिक टेबल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पेरियडिसिटी के, के थ्रू गुजरती हैं यानी जो रिपीट होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के अंदर जो प्रेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज हैं द पीरियड एंड ग्रुप वो हैं एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड शील्डिंग इफेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पीरियोडिक सिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के इस टॉपिक में एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसको समझने से पहले एटॉमिक साइज़ को समझना ज़रूरी है किसी भी एटम का जो साइज़ है वो एक्सप्रेस किया जाता है तीन टर्म्स में या तो उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई कहा जाता है और आयनिक रेडियाई भी कहा जाता है हम ये कह सकते हैं किसी एटम का जो साइज़ है वो तीन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है अगर वो एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो एटॉमिक एटामिक रेडियाई होगा अगर वो एटम जो है किसी केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है लेट्स सपोज वो एटम कोवन बॉन्ड बना रहा है तो कोवन मालिक्यूल के अंदर हिस्सा लेने वाले दोनों एटम्स का जो एटॉमिक रेडियस होगा या एटॉमिक साइज़ होगा वो अब एटॉमिक साइज़ नहीं कहा जाएगा उसको क्योंकि वो इन्वाल्व है बॉन्डिंग में उसने कोवन मालिक्यूल बना लिया तो हम कहेंगे उन एटम्स के एटॉमिक साइज़ को कोवलेंट टेटे रेडियस होगा या एटॉमिक साइज़ होगा वो अब एटॉमिक साइज़ नहीं कहा जाएगा उसको क्योंकि वह इन्वाल्व है बॉन्डिंग में उसने कोवलेंट मालिक्यूल बना लिया तो हम कहेंगे उन एटम्स के एटॉमिक साइज़ को कोवलेंट टेटियाई इसी तरह अगर एटम्स इन्वॉल्व होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने में तो उनके एटॉमिक साइज़ को हर एक आइटम को जो इन्वॉल्व है आयनिक मॉलिक्यूल बनाने में उसके एटॉमिक साइज को हम आयनिक रेडियाई कहेंगे अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज टर्म एज आर कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का दरमिया फ़ासला उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखें एलूमियम के मेट में ए एल लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस होता है आमतौर पर अब इसके मेट में जो न्यूक्लियस है उसे लेके मोस्ट शेल तक का दरमिया फासला उसे आर कहा जाता है और ये एटॉमिक रेडियस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द नंबर ऑफ द शेल्स मीन टू से डायरेक्ट रिलेशन होता है जितने नंबर ऑफ़ द शेल्स एटम के अंदर ज़्यादा होंगे उतने एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा जितने नंबर ऑफ़ एटॉमिक शेल कम होंगे उतना उस एटम का एटॉमिक रेडियस कम होगा एटॉमिक रेडियस जो है चूँकि आप स्टूडेंट्स को पता है एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का और इसकी मयरमेंट जब की जाती है तो नैनोमीटर में या पाइकोमीटर में की जाती है नैनोमीटर टेन पार माइनस नाइन को कहा जाता है और पाइकोमीटर टेन पार माइनस ट्वेल्व को कहा जाता है अब कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस के पीरियड टेबल में देखे जाते हैं यानी पीरियड टेबल में एलिमेंट जो के ग्रोथ में अरेंज हैं एलिमेंट जो कि पीरियड में अरेंज है दोनों डिफरेंट ट्रेंड्स शो करते हैं बिहेवियर शो करते हैं अगर आप यहाँ इस डायग्राम को देखें तो इसमें डाउन द ग्रुप जो है वो जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम ये फर्स्ट ग्रुप बनता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके टामिक साइज़ में इजाफा हो रहा है और इसी तरह अगर आप पीरियड में देखें द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो लिथियम से आ, आगे की तरफ मूव करें फ्रॉम लेफ्ट अरेंज हैं एलिमेंट जो के पीरियड में अरेंज हैं दोनों डिफरेंट ट्रेंड्स शो करते हैं बिहेवियर शो करते हैं अगर आप यहाँ इस डायग्राम को देखें तो इसमें डाउन द ग्रुप जो है वो जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम ये फर्स्ट ग्रुप बनता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अटामिक साइज़ में इजाफा हो रहा है और इसी तरह अगर आप पीरियड में देखें द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो लिथियम से आगे की तरफ मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं लिथियम बेरिलियम बरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नीओन तो टामिक साइज में कमी हो रही है अब ये क्यों होती है इस चीज़ को हम आप ट्रेंड्स को विद रीज़न समझते हैं एटामिक रेडियस का जो ट्रेंड है ग्रोप्स में या बिहेवियर है जो ग्रोप में वो क्या होता है दाइम इनक्रीज इन ग्रोव्स फ्राम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम ग्रोप के अंदर एटॉमिक रेडियस में हमेशा इजाफा होगा और इसकी वजह क्या होगी एडिशन ऑफ द न्यू शेल्स इन द पीरियड्स एंड शिल्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी डाउन द दा ग्रुप जब आप जाएंगे तो लाजमी तौर पर आप किसी ना किसी पीरियड का हिस्सा होंगे तो पीरियड में क्या होता है शेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन जब आप डाउन द दा ग्रुप जाते हैं तो हर एक पीरियड का एक एलिमेंट आपके साथ ऐड होता जाता है इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं यह हम एक डाइग्राम देख रहे हैं और इसमें कुछ साइजेस ऑफ द एटम्स हैं उनके आइंस वगैरह का आयंस का बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं अब यहाँ हम देख सकते हैं हम पहले ग्रुप को अगर करें आ, फोकस ग्रुप फर्स्ट जो है वो टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो लिथियम आयन, सोडियम आइन पोटाशियम आनबीटियम आयन तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनके एटॉमिक साइजेस में इजाफा हो रहा है ये अगर आयन ना भी बना रहे हो तो भी इनके एटॉमिक साइजेस में इजाफा है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और साथ में इनके जो है नंबर ऑफ़ द शेल्स में भी इजाफा हो रहा है तो नंबर ऑफ़ शेल जब ज़्यादा होंगे तो जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि अटामिक रेडियस इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ़ द शेल्स तो जितने नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे डाउन दु चूँकि ओबियसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो फिर शेल जब ज़्यादा होंगे तो फिर एटामिक रेडियस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा ट्रेंड चार्ट में कहा था कि एटॉमिक रेडियस इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ द शेल्स तो जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे डाउन द ग्रुप, चूँकि ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो फिर शेल्स जब ज़्यादा होंगे तो फिर एटॉमिक रेडियस भी जो है वो इंक्रीज होगा ट्रेंड्स इन पीरियड्स को देखते हैं द एटामिक रेडिय डिक्रीज इन पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि पीरियड के अंदर अगर यहाँ आप देख लें एक टाइग्राम हमें नज़र आ रही है एटामिक रेडियस को हमने पीरियड के साथ जो है वो लिंक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पहले हम रीज़न समझते हैं एक्रॉस द पीरियड फ्राम लेफ्ट टू राइट ये जो एटामिक रेडियस है इसके साइज़ में कमी होती है ये डिक्रीज़ हो जाता है ना अब डिक्रीज क्यों होता है इट दिदी ड्यू तो टू एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा नहीं होता पीरियड के स्टार्ट में जो एलिमेंट्स होंगे पीरियड के एंड पे जो एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ शेल जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे इजाफा किस चीज़ का होगा हर अगले एलिमेंट में जब आप मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो जब नंबर इंक्रीज़ होगा एटॉमिक नंबर तो मीन्स उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे है आउटोमो तो शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं और इसी तरह प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ता जा रहा है सेम वे में और uh, इसके नतीजे में जो न्यूक्लियस है uh, उसकी पुलिंग उसका होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है एटॉमिक साइज़ को और स्ट्रॉगली ये अट्रैक्ट कर लेता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एल, को अपनी तरफ जिसके नतीजे में जो इनवर्ड पोलिंग है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एले, की टूवर्ड्स द न्यूक्लियस तो नतीजे के तौर पर एटॉमिक साइज़ श्रिंक हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है इसीलिए हम कहते हैं और ये ट्रेंड भी है द रेडियस रेडियिक्रीजेस इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसको अब आप डायग्राम से समझें यह हमें डायग्राम दी गई है इसमें आप देखिए एटॉमिक नंबर थ्री है ये लिथियम है इसी तरह एटॉमिक नंबर फोर है तो ये क्या है आ, हमारे पास बेरिलियम है एटॉमिक नंबर फाइव बुरॉन होता है एटॉमिक नंबर सिक्स कार्बन सेवन नाइट्रोजन एट ऑक्सीजन नाइन इसमें आप देखिए एटामिन नंबर थ्री है ये लिथियम है इसी तरह एटामिक नंबर फोर है तो ये क्या है आ, हमारे पास बेरिलियम है एटामिन नंबर फाइव बुरॉन होता है एटामिन नंबर सिक्स कार्बन सेवन नाइट्रोजन एट ऑक्सीजन नाइन आ, ये है जी फ्लोरीन और टेन नियन अब अब साइज़ को अगर आप देखते जाएँ ये एटामिकाइज़ जो हैं वो बाइकोमीटर में दिए हुए हैं तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन एटॉमिक साइज़ में इजाफा नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड नहीं हो रहे सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं जिसके नतीजे में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में भी इजाफा हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस का होल्ड तो शेल के इलेक्ट्रॉन पर जब, जब ज़्यादा हो जाता है तो एटॉमिक साइज़ एकास द पीरियड वो डिक्रीज हो जाते हैं अब हम देखते हैं कोवलेंट रेडियाई क्या होता है ये तो हमने बात की ना जब कोई एटम है वो ग्रुप में उसका बिहेवियर कैसा होगा उसके एटॉमिक साइज़ का और पीरियड में कैसा होगा लेकिन जब वही एटम इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में और कोवलेंट बॉन्डिंग जब वो बनाता है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द निक्लाई ऑफ द टू सिमिलर एटम्स ऑफ द सेम मालिक्यूल कंटेनिंग का सिंगल कोबलिन प्लांट तो यहाँ आप देख सकते हैं कोबलन रेडियाई को हईया करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं आर इजिकल टू डी बाई टू वट इज़ आर आर हमारे पास वो डिस्टेंस है जो कि किस, अब यहाँ आप इसको दो एटम्स कंसिडर ना करें इसको एक एटम कंसिडर करके आप ही इसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अब यहाँ देखें वट इज़ आर आर इज़ अ रेडियस वट इज़ रेडियस इट इज़ आ हाफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू शेल ऑफ एन एटम किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटोमोसल का दरमियानी फासला आर होता है जब ये अकेला आर है तो ये आर पड़ा जाएगा लेकिन जब दो एटम आपस में मिल के मालिक्यूल बना रहे हैं लेट्स सपोज इन दिस केस अ कोवलेंट मालिक्यूल तो दोनों एटम्स का दोनों एटम्स का दरमिया जो फासला उसको डी कहा गया है यानी एक एटम का भी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का फासला दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का फासला तो एक आइटम इना मालिक्यूल में भी आयाने और कोबलेंट मालिक्यूल इना माता है जब ये अकेला आर है तो ये आर पड़ा जाएगा लेकिन जब दो एटम आपस में मिल के मालिक्यूल बना रहे हैं लेट्स सपोज इन दिस केस इट्स अ कोवलेंट मालिक्यूल तो दोनों एटम्स का दोनों एटम्स का दरमिया जो फ़ासला उसको ढी कहा गया है यानी एक एटम का भी न्यूक्लियस से ले कर आउटर मोशल तक का फासला दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस से ले कर आउटर मोशल तक का फासला तो एक इन इना मालिक्यूल में भी आयाने कारकोब्रेन मालिक्यूल इना मालिक्यूल जब एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का दरमिया फ़ासला जो है उसे हम डी कहते हैं और इस डी को जब आर पे टू पे डिवाइड किया जाता है तो हमें एक, एक एटम का रेडियस जो है वो ऑप्टेन होता है अच्छा यहाँ दोबारा से देख लेते हैं द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स लाइक ए एंड बी इज द एवरेज ऑफ द लेंथ विच इज़ कैलकुलेटेड बाई द गिवन फार्मूला एज इन द कोवर रेडियस आर जीरो अब यहाँ एक डाइग्राम हमारे सामने है दो एटम हैं एटम ए एंड एटम बी दोनों ने मिलकर एक मालिक्यूल बनाया है ए बी अब ए जो है उसमें न्यूक्लियर से ले कर बैलेंस शेल तक का फासला ए A बार है और बी जो है उसका न्यूक्लियर से ले कर बैलेंस तक का फासला बी बी बार है अब ए बार ये तो आर हो गया अकेला अगर एटम कंसिडर करें ए को और बी जो है उसमें बी और बी बार तो ये बी एटम का रेडियस है लेकिन चूंकि ये मालिक्यूल है तो मालिक्यूल में हम एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक के दरमानी फासले को डी कहते हैं और चूंकि ये दो एटम हैं तो इसको जब हम डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो हमारे पास एक एटम का रेडियस ऑपरन हो जाएगा इसीलिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं आर जिक्स टू डी बाई टू इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो आयनिक रेडियस होता है जब एटम्स इन्वॉल्व होते हैं आयनिक बॉन्डिंग बनाने में तो, तो उनके एटॉमिक साइज से उनके आयनिक साइज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं द यानिक रेडियस ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर दैन द एटामिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इन द एटामिकाइज़ जब वो एटॉमिक स्टेट uh, में होते हैं जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो जो 154 फिफ्टी फोर पाइकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस होगा लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वेलन शेल का और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव आयन बनाएगा कैट बनाएगा तो वहाँ अटामिक साइज़ इसका कम हो जाएगा वन वन सिक्स पिकोमीटर इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो होल्ड बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे था तो आफ्टर द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा एटॉमिक साइज़ जो है वो अब डिक्रीज किस मानों में होगा क्योंकि स्टार्ट में साइज ज़्यादा था कि होल्ड उसका इतना नहीं था ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा सोडियम तो अब न्यूक्लियस का वैलेंस बैलेंस के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा और साइज़ में कमी आ जाएगी यह चीज़ अक्रॉस द तो पीरियड देखी जा सकती है इसी तरह आ, जो एटॉमिक साइज़ है इसका नॉन मेटल्स का जब वो बनाते हैं नेगेटिव आयन एन बनाते हैं तो उस सूरत में इनके एटॉमिक साइज़ में इजाफा हो जाता है और ऐसा क्यों होता है हम फ्लोरीन को देख लें सेवेंटी वन पिकोमीटर इसका एलिमेंटल फॉर्म में एटॉमिक साइज़ था जब ये एटम था लेकिन जब ये नेगेटिव आयन बना लेता है तो मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चूँकि ऐड हो रहे हैं और न्यूक्लियस का होल्ड जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है तो नतीजे के तौर पर एटॉमिक साइज़ में जो है वो आ, इजाफा देखा जाता है कैटाइन एन बनाने की सूरत में नेगेटिव आयन की सूरत में ये चीज़ हमें क्लोरीन में नजर आती है इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी नेगेटिव आयन बनेगा डरिंगा आयनिक बॉन्डिंग तो एनाइन जो होंगे या नॉन मेटल्स जो होंगी उनके एटॉमिक साइज़ में इजाफा देखा जाएगा क्योंकि बैलेंस शेल के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड उनके ऊपर ज़्यादा नहीं होगा जबकि इसके मुकाबले में जो एन है मेट, मेटालिक आइटम है जब वो बॉन्ड आयनिक बॉन्डिंग में इन्वाल्व होंगे तो शेल के इलेक्ट्रॉन जब वो रिलीज़ करेंगे तो बाय द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस है इसका होल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा और जो पॉजिटिव आयन हैं उनके जो साइजेस हैं जो आप आयनिक रेडियस पड़े जाएंगे क्योंकि वो आयन बना रहे हैं तो कैटाइन या पॉजिटिव आयन के एटॉमिक आयनिक रेडियस जो हैं वो स्मॉलर होंगे उनके एटॉमिक रेडियस से और नेगेटिव आयन यानी जो एनाइन हैं उनके आयनिक रेडियस ज़्यादा होंगे उनके एटॉमिक रेडियस से आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है हाफिज